standard book 21, 26, and this is 18 minus 5 root 30. ये है आपके पास. So इसको आप कैसे लिख सकते हैं? This is first, second, third and fourth. आपके पास first क्या आ जाएगा? Square of 100 minus square of 99. ऐसा लिख सकते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 99 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100. थर्ड है आपके पास, ये है, दिस इज 51 का स्क्वायर, दिस इज 2601 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2600. एंड फोर्थ है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 324 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 325. एंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द नंबर्स बिलो. आपके पास ये तो नेगेटिव होगा, दिस इज आल्सो नेगेटिव, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है कौन सा है. तो इस केस में देखिए आपके पास दो ये ऑप्शन, इनमें से कोई एक होगा. अब अगर आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आपका कैसे लिखा जा सकता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिखा जा सकता है, रैशनलाइजेशन कर दिया. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब यहां से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5. बिल्कुल कंफर्म है, यहां पर बड़ी ड्रामाओं का स्क्वायर रूट भी आपका ज्यादा बड़ा होगा. अब यहां से अगर रेसिप्रोकल ले लें इनका, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5. एंड यहां पर रैशनलाइजेशन कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. स्क्वायर रूट ऑफ 5. So, यहां पर 7 6 है या 6 5 है, जितनी डिफरेंस दोनों के बीच 1 है, लेकिन जो जो नंबर बढ़ेंगे इनका डिफरेंस कम होता चला जाएगा. So, यहां पर ये 100 है, ये 99 है, ये 2601 है, ये 2600 है. यहां पर स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी? 2601 माइनस 2600, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव. इसको करके देखेंगे, याद भी रखेंगे. इससे रिलेटेड जैसे आपने ये चीज प्रूव की है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक x is equal to square root of 5 ले and y is equal to square root of 7 ले. तो यहां inequality of arithmetic mean and quadratic mean. Quadratic mean ये होती है x प्लस वाई
upon 2, x plus y upon 2. This is arithmetic mean, and x and y different hai. If x and y are different, this is less than equal to square root of x square plus y upon, this is quadratic mean. So, यहां से अगर वैल्यू रखे आप, क्या x is equal to square root of 5, this is square root of 5 plus square root of 7 upon 2, this is less than 5 plus 7 upon 2 का square root, this is equal to square root of 6. यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, square root of 5 plus square root of 7 less than 2 square root of 6, 2 का multiply कर दिया, इन इक्वेलिटी वही रहेगी क्योंकि 2 पॉजिटिव है. यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इक्वल इधर ले आए लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है आपके पास ये कह रहा है गिवन दैट 5a 5a9 एंड 3b7 b7 प्लस 2ca इज इक्वल टू 114 है. देन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, सी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल. सो यहां पर इन टर्म्स को आप कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 10a प्लस 9 प्लस 300 प्लस 10b प्लस 7 प्लस 200 प्लस 10c प्लस 8 इज इक्वल टू 1114. सॉरी, दिस इज 500 300 and 200, 1000 हो गया, sub, and this is 10a plus 10b plus 10c, this will be equal to 1000 इसमें से subtract कर देंगे, 114 minus, this is 16, 1000 minus 16, and plus 8, this is क्या है, 1524, this is equal to, यह आपके पास है 90, subtract करेंगे 0 and this is 90, a plus b plus c, this is equal to 9. अब यहां पर a, b, c negative value तो ले नहीं सकते हैं, a, b, c में a और b जब आपके 0 होंगे तब C की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो C मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 हो सकता है. A एंड B मिनिमम होंगे तभी C मैक्सिमम होगा, एंड A एंड B मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके, 0 हो सकते हैं क्योंकि इनमें से यूनिट प्लेस के ऊपर भी कोई नहीं है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कहता है कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3, y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 4, एंड z इज इक्वल टू 6th रूट ऑफ 6. सो यहां पर x इज इक्वल टू क्या है, 3 रेज टू पावर 1/3, y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1/4, z इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1/6, z इज इक्वल टू 6 raised to power 1/6. अब सभी की जो इंडेक्स है, सभी की जो पावर है, वो आप एक फ्रैक्शन में लेके आएंगे. जो पावर्स हैं उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम देखिए क्या होगा, दिस इज 12. सो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 raised to power 4 raised to power 1/12, एंड y इज इक्वल टू 4 raised to power 3 raised to power 1/2,
4 पे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिखा जा सकता है। 12 इस लेफ्ट, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो सिलेक्ट कर, z इज इक्वल टू 6 raised to power 2 raised to power 1 by 2, और x इज इक्वल टू, दिस इज 81 raised to power 1 by 12, एंड y इज इक्वल टू, दिस इज 64 raised to power 1 by 12, एंड z इज इक्वल टू 36 raised to power 1 by 1 by 2। अब देखिए आपके पास 9 और 4 है, अगर आप कोई भी पावर निकालेंगे, जैसे मान लो स्क्वायर रूट निकाला, 9 इज ग्रेटर देन 4 है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा देन द स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो यहां पर आपकी पावर जो है वो सेम है, जिस नंबर के पावर लग रही है वो बड़ा है, वही फैक्टर बड़ा होगा यहां पर, x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, z। नेक्स्ट देखिए, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन का है, कर सकते हैं इसको आप, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन दिस इज 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24। यहां पर ये फैक्टर जो है आपका कैसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 2 रूट 3, और दिस इज 8 एंड माइनस 2 रूट 2, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24। 2 कॉमन ले लेंगे, दिस इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसका तो ये तो 1 हो गया फैक्टर, इसका तो जी निकल गया, a माइनस 2 a माइनस b a प्लस b। सो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया, दिस इज 2 अपॉन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24। एंड इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसका रैशनलाइजेशन कर दें, ट्वाइस ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा 25 माइनस 24, एंड दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 6। अब यहां पर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये क्या आएगा, इसके फैक्टर कर दो, सम तो 5 हो एंड प्रोडक्ट कितना हो, दिस इज 6, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। अल्टीमेटली आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए और बी का, किस इज नॉट ट्रू ओनली व्हेन, इज ट्रू है यहां पर। अब देखिए सारे केसेस देखिए इसमें, अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होगा, लेकिन जब स्क्वायर रूट ए इज लेस देन जीरो है एंड बी ग्रेटर देन जीरो है, इट मींस क्या हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए का मॉडुलस, माइनस ऑफ ए मॉडुलस, जैसे ए इज इक्वल टू माइनस 2 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 का मॉडुलस, दिस इज माइनस 2, ऐसे लिखा जा सकता है।
मॉडुलस हम स्केयर रूट हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकाल सकते हैं. सो क्या आ जाएगा आपके पास, स्केयर रूट ऑफ ए एंड स्केयर रूट ऑफ बी. इस केस में क्या आ जाएगा, दिस इज स्केयर रूट ऑफ माइनस ए मॉडुलस एंड बी मॉडुलस, तो बी हो क्योंकि बी ग्रेटर देन जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन. माइनस वन का स्केयर रूट, दिस इज आयटा स्केयर रूट ऑफ ए मॉडुलस एंड स्केयर रूट ऑफ बी मॉडुलस, ये दोनों पॉजिटिव है. दिस इज आयटा स्केयर रूट ऑफ ए बी. सो इस केस में स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर रूट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए बी. इस केस ये इक्वल है. ऐसा ही केस तब होगा जब ए इज ग्रेटर देन जीरो ले लें एंड बी इज लेस देन जीरो. यहां पर भी बाहर क्या आएगा, आएगा. अगर आपके पास ऐसा है ए बी लेस देन जीरो है, बी भी लेस देन जीरो है, ए इज इक्वल टू माइनस ए का मॉडुलस, बी इज इक्वल टू माइनस बी का मॉडुलस, माइनस मॉडुलस ऑफ बी. अब स्केयर रूट हम पॉजिटिव रियल नंबर्स का निकाल सकते हैं. सो स्केयर रूट ऑफ ए इंटू स्केयर रूट ऑफ बी क्या आ जाएगा, दिस इज स्केयर रूट ऑफ माइनस ए मॉडुलस स्केयर रूट ऑफ माइनस बी मॉडुलस. दिस इज आयटा स्केयर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज पॉजिटिव. आय स्केयर रूट ऑफ बी मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू आयटा स्केयर रूट ऑफ ए बी मॉडुलस. दिस इज ये क्या आ जाएगा, आयटा स्केयर माइनस वन का स्केयर रूट इज इक्वल टू आयटा, आयटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, दिस इज माइनस वन एंड स्केयर रूट ऑफ माइनस ए एंड माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस स्केयर रूट ऑफ ए. तो इस केस में भी जो इक्वेलिटी दे रखी है वो होल्ड नहीं होगी. केवल एक ही केस बचता है, जब आपके दोनों ग्रेटर देन जीरो है तब आपका स्केयर रूट ऑफ ए इंटू स्केयर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए. दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एनटीएससी एग्जाम्स फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स. नेक्स्ट देखिए, दिस इज 99 इंटू 1000 इंटू 1001 इंटू 1002 एंड प्लस 1. आपको इसका क्या निकालना, स्केयर रूट निकालना है, स्केयर रूट. अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 1. दिस इज n स्केयर प्लस 3n प्लस क्या आ जाएगा, n स्केयर प्लस 3n प्लस 2 इंटू n प्लस 1. अगर इसको वाई पुट कर दें, n स्केयर प्लस 3n इज इक्वल टू y. सो आपके पास क्या आ जाएगा, y इंटू y प्लस 2 एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू y स्केयर प्लस 2y एंड प्लस 1. दिस इज इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्केयर. सो इसका स्केयर रूट निकालना, स्केयर रूट निकालना, स्केयर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 1. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, y की वैल्यू रखेंगे, दिस इज 3 सॉरी n स्केयर प्लस 3n n प्लस 1. प्लस 1 का स्केयर का स्केयर रूट, दिस इज इक्वल टू n स्केयर प्लस 3n n प्लस 1. यहां से क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n क्या है आपके पास, एन आपके पास दिस इज 9900. तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर दिस इज 999 का स्केयर एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज
plus 3 into 999 and plus 1. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 999 कॉमन ले लिया एंड 3 ऐड करेंगे 999 एंड प्लस 3 एंड प्लस 1 है, दिस इज इक्वल टू 999 इनटू दिस इज 2 0 एंड दिस इज अगेन 0 एंड प्लस 1. अब 999 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, दिस इज पर सॉरी स्क्वायर रूट तो हट ही गया, इसका स्क्वायर रूट नहीं क्योंकि यही इसका स्क्वायर रूट है, आपके पास क्या आ जाएगा 1002, जितने 9 है उतने 0 लगा दो, माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड प्लस 1, दिस इज 1, दिस इज 1, क्या आ जाएगा 9 1, दिस इज 0 एंड प्लस दिस इज 10 में से 1 9 9 एंड प्लस क्या आ जाएगा दिस इज 1. सो आपके पास ऑप्शन, देखो बीच में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, बोलिए. अरे सम ठीक है क्या, यस अर्दिका, यहां क्या करते हैं, जितने 9 है उतनी 0 लगा देंगे, दिस इज 3 0 एंड माइनस यही फैक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस यही फैक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, दिस इज 8, यहां पर 9 आया, दिस इज 9 अगेन 9 एंड दिस इज आई थिंक दिस इज 0 एंड 100, सब्ट्रैक्ट करके देखो एक बार, 1002000 एंड यहां से दिस इज 2001, दिस इज 8 9 9 0 एंड 001, सो क्या एंड प्लस 1 कर देंगे, दिस इज 1000999, ये आंसर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, HCF of two expressions P and Q is 1. HCF of P and Q is equal to 1. Then find the LCM. बिल्कुल सिंपल है. दो नंबर है आपके पास. LCM into HCF is equal to first number into second number होता है. This is क्या आ जाएगा आपके पास? This is PQ, first into second, and HCF 1, and this is called to LCM. LCM. LCM will be kya hoga? This is P into Q. LCM will be P into Q. Next, dekhiye. Bahut simple question hai ye bhi. Lekin isse pehle ek question pe chalte hai 16th pe. 16th question. Ye hai. 1 rupee coin है and 5 rupee coin. दो coins है आपके पास, are available. Find the smallest payment which cannot be made out of these coins. Option दे रखे हैं 3, 14, 12 and 18. And if not more than 5 coins are allowed, maximum number of coins क्या हो सकते हैं, this is equal to 5 हो सकते हैं, यहां पर तो 3 एक एक ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर क्या करें, यहां पर दो 5 5 ले लिया और 2 into 5 and plus 2 into 1 ले लिया,
दिस इज 12 एंड यहां पर क्या कर सकते हैं 14 आपने 2 इंटू 5 लिया प्लस मैक्सिमम कितने ले सकते हैं 3 ले सकते हैं 3 इंटू 1 तो 14 आपके पास नहीं हो सकता 18 हो सकता है 18 में क्या करेंगे 5 इंटू 3 ले लिया प्लस क्या है 5 इंटू 3 पॉइंट्स एंड प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू 15 वाई 15 लेकिन 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा 18 भी नहीं हो सकता आपका एंड 14 14 को दोबारा चेक करो एक बार दिस इज 2 ये है 3 ये है मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइंस कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं तो 14 और 18 नहीं आ सकते 14 और 18 14 में 2 हो जाएगा यहां पर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 3 आ सकते हैं टोटल कॉइन कितने होने चाहिए आपके पास 5 हो सकते हैं लेकिन इससे रिलेटेड और इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए जिसको समझने की कोशिश करिए ये कहता है इफ फॉर एनी टू रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर That cannot be, expressed in px plus qy for non-negative integers for non-negative integers p and sorry x and y देखिए यहां पर p और q दो prime positive integers हैं and ऐसा कौन सा greatest integer होगा जिसको आप पी एक्स प्लस क्यू वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते जहां पर x और y नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो और नेगेटिव हटा दो मींस नेचुरल नंबर आ गए सो ये ग्रेटेस्ट नंबर होता है ग्रेटेस्ट नंबर वो होता है ग्रेटेस्ट नंबर is pq minus p minus q pq minus p minus q like example लेते हैं p minus q या अगर आपके पास p and q prime नहीं है if gcd of pq अगर ये प्राइम है तो इनका जीसीडी कितना होगा 1 अगर जीसीडी इज नॉट इक्वल टू 1 है देन द नंबर्स मल्टीपल ऑफ नंबर अदर देन मल्टीपल ऑफ जीसीडी cannot be expressed in px plus qy form. देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं एंड यहां पर ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने होंगे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये तो था आपका जिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़े जिस इंटीजर को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस फॉर्म में, वो पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू है। लेकिन वो ऐसे कितने इंटीजर हो सकते हैं उससे पहले भी, और उसको मिला करके वो कितने होंगे, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन अपॉन टू, इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स। लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड as this is 35x plus 21y, तो कौन से आ जाएगा यहां पर, p और q 35 और 21 है, एंड इनका जीसीडी 1 नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तो सारे वो मल्टीपल्स जो किसके क्या है आपके इसके जीसीडी के मल्टीपल नहीं है, उनको किसी को भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अरे समझ आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन लीजिए, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द इंटीजर हाउ मेनी बिल्स कैन बी फुटेड, जिसका पेड रख दो, पे टू फुट द बिल मीन्स टू पे द बिल होता है। हाउ मेनी बिल्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल अमाउंट, हाउ मेनी बिल्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल अमाउंट कैन नॉट बी पेड बाय यूजिंग द नॉर्म्स, ऑफ डिनोमिनेशन 5 and 7, 7 rupees and 5 rupees। ये कहता है कि ऐसे कितने दिन है जो आप पे नहीं कर सकते अगर आपके पास 5 rupees और 7 rupees के कॉइन्स है, तो नंबर ऑफ बिल्स कितने बताए थे, अगर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई है तो इससे कितने बिल पे नहीं कर सकते, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन अपॉन टू। सो यहाँ क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्या है, 5x प्लस 7y है, तो p क्या है 5, दिस इज 5 माइनस वन इंटू 7 माइनस वन अपॉन टू, ऐसे कितने बिल है 12 बिल्स, ऐसे कितने बिल है 12। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पावर ऑफ टू, द हाईएस्ट पावर ऑफ टू टू की हाईएस्ट पावर ऑफ टू इन इसमें कर रहा है 100 काउंट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 100 काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या हो गया, 100 फैक्टोरियल्स। तो पावर्स निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, एक्सपोनेंट ऑफ टू इन 100 फैक्टोरियल किसके बराबर आएंगे, आप 100
अपॉन टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 प्लस 100 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 एंड प्लस 100 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 2 रेज टू पावर 6 एंड प्लस दिस इज 100 अपॉन 2 रेज टू पावर 7। ये 1 से छोटा फैक्टर हो गया है, सारा जीरो देगा। ये कितने आ गया आपके पास 50, दिस इज 25, दिस इज कितना आ गया 8, 12 भाई, दिस इज ये आपके पास 100 अपॉन 8 है मींस 12.4 है एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, इंटीग्रल वैल्यू कितनी है 12 है, दिस इज 12 एंड प्लस क्या आ जाएगा 16, 6 आ गया प्लस 32 3 एंड प्लस दिस इज 1, सो टोटल नंबर 75 एंड दिस इज 87, दिस इज 97। टोटल पावर ऑफ एक्स कितनी हो सकती है, दिस इज 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे वो ये है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस डैश डैश 99 1 प्लस 99 प्लस का स्क्वायर प्लस 99 रेज टू पावर 4। हमारे पास यहां पर हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 99 तक जाएंगे एंड 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n रेज टू पावर 4 है एंड यहां पर इसको फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 99 एंड दिस इज 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस एन प्लस वन एंड वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, क्योंकि एन रेज टू पावर फोर प्लस एन स्क्वायर प्लस वन को आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन रेज टू पावर फोर प्लस टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ये फैक्टर आएगा एंड इसके फैक्टर कर देंगे एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन n into n square plus n plus 1 n, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में क्या आएगा आपके पास ऊपर, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 99 है, सो ऊपर यहाँ पर क्या लेंगे n लेंगे, this is n, this is n, n लिया यहाँ पर, लेकिन जब इसका सम करते हैं तो आपके पास 2n आता है, तो 1 by 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर n इज इक्वल टू 1 रखते चले जाओ, 1 2 3 क्या आएगा 1 रखेंगे तो 1 by 2 तो बाहर है, this is 1 upon 1 minus 1 upon 3 plus 2 रखेंगे 4 minus 2 2 plus 1 1 by 3 minus this is 4 plus 2 6 7 and plus, इस तरह से आपके चली जाएंगी। आपके पास फर्स्ट जो टर्म थी उसका सेकंड पार्ट कैंसिल हो गया है, आपके पास लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा, दैट इज 1 प्लस 99 का स्क्वायर प्लस 99 प्लस 99 का स्क्वायर, ये बचेगा, दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 बाई 2 एंड 1 माइनस 1 upon 99 square plus 99 plus 1 and this is equal to 1 by 2 99 square plus 99 and upon 99 square plus 99 and plus 1। ऊपर आपके पास क्या फैक्टर होगा, 99 कॉमन ले लेंगे, 99 plus 1 upon this is 99
99 plus 1 and plus 1, 1 by 2 साथ में है, this is 9900 upon this is 9901 and 1 by 2. So किसके बीच में होगा, इसको डिवाइड करेंगे, this will be equal to 9 पे चला जाएगा, 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, कितना 0.9 पे, 0.9. अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज 0.48 एंड 49 के बीच में आएगा, इसको डिवाइड करके देखना. नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज 10^4 प्लस 324 12^4 प्लस 324 -58 इसी पैटर्न में 4 प्लस 324 ये आ जाएगा. अपॉन डिनोमिनेटर में है 4^4 प्लस 324 एंड दिस इज 16 प्लस 324 Yes, this is 52^4 plus 324. ये इसका डिफ बताता हूं, आप इसको खुद करेंगे. देखिए, x^4 plus 324. इसको आप कैसे लिख सकते हैं, xk plus 18 का square minus this is twice of xk into 18 is प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x एंड इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 18 एंड प्लस 6x ये आ जाएगा. इसकी हेल्प से फर्स्ट को क्या लिख देंगे, फर्स्ट जो फैक्टर आएगा, फर्स्ट फैक्टर आएगा क्या आएगा आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 18, एक्स आपके पास यहां पर एक्स इज इक्वल टू 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 18 118 एंड माइनस 6x दिस इज 60 एंड इनटू 118 प्लस 60 एंड यहां पर सेकंड क्या आएगा, This is x है यहाँ पर 22 है, 12 बढ़ रहा है, हरेक में 12 बढ़ेगा, this is क्या आ रहा, 484, xk 484 plus 18, this is equal to 2, 9, 0 and 5, 502 minus, this is 132 and 502 plus 132, इस तरह से आपके चले जाएंगे. बेस आप अपने आप सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स के दिस इज 16 प्लस 16 प्लस 6x प्लस क्या आ जाएगा 24, ये आपके पास एक्स के प्लस 18 16 प्लस 18 34 एंड इनटू 34 माइनस 24 10 आ जाएगा, बाकी कॉमन फैक्टर कट जाएंगे आपके पास 3730 अपॉन 10 बचेगा एंड आंसर विल बी 373